हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट क्लास फर्स्ट ईवीएस से सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। इसे आप पूरा अंत तक जरूर देखें। इसमें डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ सके कि किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन प्लीज इसे आप अवश्य देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसकी वर्कशीट। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, पहला क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ में आंसर साथ में करते जा रही हूँ। व्हाट आर फेस्टिवल्स? फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज फैमिली एंड फ्रेंड्स गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड एंजॉय दे। फेस्टिवल एक खास दिन होता है जो हम परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर उसे इंजॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट? फेस्टिवल ऑफ लाइट कौन सा है? तो दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं। होली विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स? कलर्स के लिए कौन सा, कलर्स का कौन सा त्यौहार होता है? तो होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? सिखिज्म की सिख, तो गुरु नानक देव इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सिख धर्म जो है उसके फाउंडर जो है गुरु नानक है। When is Christmas celebrated? Christmas हम कब celebrate करते हैं? तो Christmas is celebrated on 15 December every year. Christmas एक ऐसा पर्व है जिसमें की date fix रहती है 25th December हर साल 25th December को ही हम Christmas मनाते हैं। Next question है fill in the blanks, जिसमें हमने fill करते गए हैं। Festival are the times of feast. People organize langar on Guru Parv पे लंगर ऑर्गेनाइज किया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद दिया एंड लाइट्स ऑन दिवाली। दिवाली में लोग अपने घरों को दिया और लाइट से सजाते हैं। सांता क्लॉज ब्रिंग गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन ऑन क्रिसमस। क्रिसमस पर सांता क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं। फाइव, द फेस्टिवल ऑफ ईद मेक द एंड ऑफ रमजान। फेस्टिवल ऑफ ईद जो है रमजान के लास्ट में आते हैं, लास्ट में मनाए जाते हैं। सिक्स, ईद इज द सेलिब्रेट आफ्टर मंथ ऑफ फास्टिंग। ईद जो है मंथ के लास्ट में मनाया जाता है, जब पूरे मंथ फास्ट करने के बाद लास्ट में ईद मनाया जाता है। सेवन, ऑन गुरु पर्व वी गो टू गुरुद्वारा टू ऑफर प्रेयर्स। गुरुद्वारा, हम गुरु पर्व में गुरुद्वारा जाते हैं वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। एट, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2nd October। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। चूज द करेक्ट आंसर। Is known as the festival of light, is celebrated as festival of victory, good over evils. Dashara, Christmas, Diwali, Raksha Bandhan. Correct answer is option C, Diwali. Next question number. The celebrated by Muslim at the end of fasting month of Ramzan, it is considered as the feast of breaking द फास्ट। तो उस समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो दिस इज ईद उल फितर। क्वेश्चन नंबर 3, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा हु इज कंसिडर एज द 8th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु? नवरात्रि, दिवाली, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि। करेक्ट आंसर इज जन्माष्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Which of the festival that is celebrated the resurrection of Jesus Christ after his crucifixion? That is Easter. Correct answer is Easter. Number 5, Which Islamic festival is celebrated to recognize the willingness of Ibrahim to follow Allah's command to sacrifice his son? ईद उल फितर, ओनम, क्रिसमस, ईद उल अदा। करेक्ट आंसर इज ईद उल फितर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इज द फेस्टिवल विच मार्क द एंड ऑफ नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा इन इंडिया। दशहरा, दिवाली, होली, जन्माष्टमी। करेक्ट आंसर इज दशहरा। दशहरा इज द फेस्टिवल विच मार्क एंड ऑफ नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा।
नंबर सेवन, विच फेस्टिवल commemorated the birth of the much loved elephant headed Hindu deity who is the regarded to the removal of obstacles. Navratri, Dashara, Janmashtami, Ganesh Chaturthi. Correct answer is option D, Ganesh Chaturthi. Which Hindu festival is celebrated the victory of divine goddess over the demon king Mahishasur? Option hai क्रिसमस, दुर्गा पूजा, होली, दिवाली. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं इसके. 9, विच इज सेलिब्रेटेड द ऑनर ऑफ हिंदू डेटी लॉर्ड शिवा. दिस फेस्टिवल सिंबलाइजेस द ओवरकमिंग ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस ऑफ इंडिया. महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, गणेश चतुर्थी. करेक्ट आंसर इज महाशिवरात्रि. नंबर 10 इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट इज द सेलिब्रेटेड इन आसाम दैट मेक द बिगनिंग ऑफ द आसामीज न्यू ईयर. मकर संक्रांति, बोहाग बिहू, लोहरी एंड ओनम. करेक्ट आंसर इज बोहाग बिहू. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए एंड कॉलम बी को हमें मैच करना है. तो चलिए, नंबर 1, गुरु नानक जयंती. गुरु नानक जयंती पर हम गुरु पर्व मनाते हैं. तो दिस इज दिया. दिया हम किस पे जलाते हैं? दिवाली पे. तो दिस इज दिवाली. सेवैया, सेवैया हम ईद में खाते हैं. क्रिसमस, क्रिसमस हम क्रिसमस कैरोल पे बनाते हैं. एंड कलर्स, होली को हम कलर्स ऑफ, फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5. हु एम आई. इस प्रकार के भी क्वेश्चंस बच्चों से इस तरह पूछे जाते हैं. आई एम कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट. मैं कौन हूँ? तो दिवाली. नेक्स्ट, आई एम ए स्वीट डिश द पीपल ईट ऑन ईद. ईद पे हम कौन सी स्वीट डिश खाते हैं? तो दिस इज सेवैया. यू सेलिब्रेट मी 15 अगस्त एवरी ईयर. हर साल तुम 15 अगस्त को मुझे सेलिब्रेट करते हो. तो मैं कौन हूँ? इंडिपेंडेंस डे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाता है. आंसर इन वन वर्ड, ऑन विच फेस्टिवल डू वी डेकोरेट आवर हाउस विद कैंडल एंड दिया. कौन से फेस्टिवल पे हम अपने घर को दिया कैंडल से डेकोरेट करते हैं? वन वर्ड में आंसर देना है. तो दिस इज दिवाली. Which festival is celebrated on a fixed date of December? कौन सा फेस्टिवल दिसंबर को फिक्स डेट को होता है, हर साल उसी डेट को आता है? तो दिस इज क्रिसमस. एंड when did India get freedom? हमारा देश इंडिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें. और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.